सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना पोषण मटका अभियान के अंतर्गत हाल ही में नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर नीरज सिंह द्वारा सभी विभागों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इसी के चलते सभी विभागों के अधिकारी इन दिनों कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं उनके साथ जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला बाल विकास के अधिकारी, जनपद पंचायत और जनप्रतिनिधियों द्वारा गांव-गांव जाकर पोषण मटका अभियान के तहत अनाज एकत्रित करने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। ग्रामवासी भी सहयोग के रूप में गेहूँ, चना सहित अन्य पोषण सामग्री का दान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बढ़िया अभियान छेड़ा है, मटका कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए। घर घर जाकर हमारे आंगनवाड़ी वाली बहनें और पंचायत के सहकर्मी सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो उल्लेखनीय है। इस गेहूं से घर घर जाके जो मटके से गेहूं हम एकत्रित कर रहे हैं, इस गेहूं से हमारे आंगनवाड़ी में जो भी 3 साल से 6 साल के बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे। उनका कुपोषण दूर करने के लिए अच्छे व्यंजन उनको दिए जाएंगे। इसके लिए ये प्रयास बहुत सराहनीय है। हमारी बहनें, आंगनवाड़ी वाली बहनें, पंचायत सचिव, सचिव, सभी लोग जो गांव-गांव में घर घर में जाके जो अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और इससे कुपोषण दूर होगा 3 साल से 6 साल के बच्चे। इसके साथ ही 8 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लाड़ली लक्ष्मी योजना, जिसको कि कितने साल हो गए हैं, 8 तारीख को शुरू हुई थी, 2007 से शुरू हुई थी, है ना, और इस अवसर पर 8 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें जितनी भी हमारी बेटियां लाड़ली लक्ष्मी हैं उनका स्वागत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके माता पिता उनका स्वागत किया जाएगा, गांव में एक उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें सारे जनप्रतिनिधि लोग रहेंगे, जिससे कि लाड़ली लक्ष्मी को भी उत्साह मिले और उनका आगे का जीवन भी सफल हो। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसी तारीख को, 8 तारीख को एक नई लाड़ली लक्ष्मी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं और जो लाड़ली लक्ष्मी 18 साल से ऊपर हो गई हैं उनको आगे भी इस योजना से फ़ायदा मिलेगा, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को बताएंगे। आप सब लोग लाड़ली लक्ष्मी की इस योजना का 8 तारीख को जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाएं, रैली को सफल बनाएं, उनकी शोभा यात्रा को सफल बनाएं। मैं भी अपने गाँव में और दूसरे गाँव में इस योजना में सब आप लोगों के साथ रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। सिवनी वालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।